हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा म्यूचुअल फंड को हम कैसे ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को, और हमें उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं ब्रेक करने पर। क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है तो मैं करने वाला हूँ, तो मैं आपको चाहता हूँ कि समझा के आपको करूँगा। तो इससे पहले मैंने टाटा म्यूचुअल फंड, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट जो भी, चाहे SBI हो, मेरे हो, टाटा हो, UTI हो, और तो मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में अलग अलग, या मोतीलाल ओसवाल हो, तो सभी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो उसके भी वीडियोस हैं। तो आप में अगर म्यूचुअल फंड की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लास्ट में, पहले आपको स्टॉक मार्केट के देखेंगे, उसके बाद लास्ट में एकदम देखेंगे, तो मैं शुरुआत ऐसी की थी। तो मैंने डायरेक्ट बाय किया था टाटा म्यूचुअल फंड, बाय डायरेक्ट ऑनलाइन, यहाँ पे ना तो ब्रोकरेज आपको लगने वाला था और ना ही ऑफलाइन कोई प्रोसेस है। तो मैंने ऐसे लिए थे जिसमें आपको कम से कम, मतलब ऑनलाइन जो भी चार्जेस रहते हैं वो डायरेक्ट उस फंड के चार्जेस रहते हैं, ना कि कोई ब्रोकरेज लगेगा। तो मैंने डायरेक्ट फंड लेना बताया था, ऐसे UTI का बताया था, मेरे का बताया था, और साथ ही साथ आपको SBI का बताता है, SBI के नीचे आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो आज मैं ब्रेक करना बताता हूँ। तो ब्रेक करने के मैं पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने इतने सारे फंड लिए थे, अब उस फंड में मैं ब्रेक जो करूंगा तो उसमें मुझे किसमें लॉसेस हो सकते हैं। देखिए, टाटा डिजिटल, टाटा रिसोर्सेज, ये दोनों मैंने सेक्टर वाइज लिए थे, रिसोर्स एंड एनर्जी वाला, एनर्जी सेक्टर है, और टाटा डिजिटल, तो इनकी जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 महीने का है केवल, तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर सकता हूँ। अब यहाँ साथ साथ बैंकिंग फाइनेंस और ये आपका टाटा इंडियन कंज्यूमर फंड और टाटा मल्टी कैप फंड, ये तीनों में मेरे को लॉस होगा, ये 1% मुझे NAV में लॉस होगा, लेकिन आज ये मैं पांचों रिडीम करने वाला हूँ, मतलब पांचों 100% रिडीम करने वाला हूँ। तो चलिए हम रिडीम करते हैं। तो रिडीम करने के लिए क्या है, जैसे मैंने एक फंड को सिलेक्ट किया, जैसे टाटा डिजिटल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर रिडिम्पशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मतलब यहाँ ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दिखाएगा डिटेल। तो अब ये हम पूछता है अमाउंट में करना चाहते हैं, यूनिट में करना चाहते हैं, या ऑल यूनिट करना चाहते हैं। तो मैं ऑल यूनिट करना चाहता हूँ, मतलब पूरी तरह से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये बता देगा आपको कि हाँ, यहाँ अमाउंट पे, यूनिट पे, तो यूनिट पे। तो मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, आपके ही सामने कर रहा हूँ, देखिए कंफर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं प्रिंट आउट ले सकता हूँ, ये देखिए आपके सामने यूजर ट्रांजेक्शन, ये एंट्री डेट, ये और डेट ये। आज मैं योर रिडम्पशन रिक्वेस्ट हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, मैंने इसको रिडीम कर लिया। अब इसका सबसे बड़ी चीज होती है प्रिंट आउट लेना, वो हम प्रिंट आउट ले लेंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एक फोल्डर बना के, ये सेव करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए काम आए। म्यूचुअल, तो मैं आप इसको ब्रेक करता हूँ। तो टाटा डिजिटल को ब्रेक किया मैंने, तो इसके अंदर टाटा डिजी, तो डिजिटल, तो टाटा डिजिटल फंड को मैंने ब्रेक कर लिया, बस इतना सा काम था। अब मैं दूसरे फंड को ब्रेक करता हूँ, अपने फोलियो में आया। तो दूसरा क्या है हमारे पास, टाटा एनर्जी, इस पर भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो देखिए टाटा रिसोर्स एंड, अभी ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट गई है, अभी टाटा डिजिटल में की रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है। अब आपके सामने दूसरी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, टाटा एनर्जी रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान की। अब इसको रिडम्पशन के लिए डालता हूँ, इसको भी ऑल यूनिट करना है मेरे को, इस पर भी मेरे को कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, 3 महीने का था तो वो एक्सपायर हो चुका है, मेरे 7-8 महीने हो चुके हैं। तो सबमिट में क्लिक किए दे रहा हूँ, सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कन्फर्म में क्लिक कर देना है, ये भी आपके सामने रिडम्पशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, जितना भी आप रिडीम करते चलेंगे उसको सेव करते चलना है, आपको प्रिंट आउट लेते चलना है। अब मैं इसको प्रिंट आउट, टाटा एनर्जी रिसोर्स, टाटा एनर्जी, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने किस किस को रिडीम किया और ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह मालूम रहे आपको। अब वापस से, अब टाटा बैंकिंग फाइनेंस एंड सर्विस, इसको रिडीम करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ से मुझे लॉस होना चालू होगा, मतलब यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है NAV का 1%। NAV मेरी कितनी, अब NAV मतलब यूनिट, जो यूनिट है, यूनिट जो प्राइ, यूनिट का मल्टीप्लाई होगा NAV में, और NAV का 1% यहाँ पे 1% जो भी रहेगा वो यहाँ पे घटेगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई होगा यूनिट से, मतलब NAV का 1% घटने के बाद मल्टीप्लाई होगा यूनिट से, जो अमाउंट मिलेगा वो आपका एक्चुअल अमाउंट होगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए रेडी हूँ, तो टाटा बैंकिंग को भी मैं रिडीम कर रहा हूँ, तो क्लिक कर दिया, ऑल यूनिट, यस, बिट और कन्फर्म।
ये भी हो गया आपके सामने, अब इसका भी प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट हर एक का लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। प्रिंट आउट ले लेता हूँ, टाटा बैंकिंग ये ले, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया आज। चलिए अब फिर, अब इसके बाद हम देखते हैं टाटा डी इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसको भी रिडीम कर देते हैं। ऑल यूनिट यस कंफर्म, ये भी हो गया, ये देखिए सक्सेसफुली, इसका भी प्रिंट आउट ले लेते हैं। टाटा इंडियन कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर ये भी मैंने कर दिया। अब इसके बाद लास्ट मेरा बचा टाटा मल्टी कैप डायरेक्ट फंड। देखिए अभी तक जो मेरा प्रॉफिट था जो वो आपके सामने, यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे करंट प्रॉफिट वैल्यू है आपके ही सामने, यहाँ यूनिट है। तो अब मैं लास्ट ऑप्शन है मेरा, मतलब लास्ट बचा है टाटा मल्टी कैप फंड। सारे लेते हुए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे में है। सबमिट कन्फर्म, ये भी हो गया, पूरे फंड मैंने रिडीम किया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये आखिर रिडीम करने के बाद अमाउंट आएगा कहाँ? ये उस अकाउंट में आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, टाटा मल्टी कैप, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी रिडीम हो गया। तो हमने टाटा के सारे फंड रिडीम कर दिए, बताऊँ ये लमसम में थे, ये सारे लमसम में थे, अब मैंने सारे रिडीम कर दिए हैं। रिक्वेस्ट भी मेरे मोबाइल में आ गई है, जो फुलफिल हो गई है रिक्वेस्ट। अब यहाँ हमारा रिडेम्पशन हो गया।